दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जे जगह धर्णा बसे जगह ठीक एखे अपना देखते एखे तर गाड़ी रही है जानने धर्णा बसे आज के सकाले डाक दिए लाख लाख कर्मी समर्थक आज के धर्णा मंचे आसबें क्योंकि एंट्री पॉइंट गुलो रही है जे जगह देखते मुहूर्ते एक एंट्री पॉइंट ठीक ये रही है राजेंद्र प्रसाद रोडे जखने तर कर्मी समर्थक आसें तक के बाहर दिए देवा पर एंट्री पॉइंट ये एक रही है जखने डीटीसी एक बस लागिए देवा जखान क्यों आसते पर तृतीय एंट्री पॉइंट जो मुहूर्ते देखते से हलो ये प्रचुर पुलिस मुहूर्ते रही है एखे कि पुलिस संगे धस्ताधस्ती हो आम आदमी पार्टी समर्थक जरा भेतरे आसार चेषा कर एकदि के प्रचुर संबादमाध्यम भीड़ जत कर्मी समर्थक जरा रोचे अरविंद केजरीवाल तरह के बेसि दिल्ली पुलिस जवाना एखे मोतन रोन और ता क्यु एखे का आसते देवें ना आगे स्पष्ट कर देवा मुहूर्त जी एखे एक चित्रता देखी एखे कि आम आदमी पार्टी समर्थक संगे बचसाय बेधे दिल्ली पुलिस ता का एखे आसते देवें ना से स्पष्ट जान दिए दिल्ली पुलिस जवाना मुहूर्त कार चित्रा ये देखते कि एखे एकदि के आम आदमी पार्टी समर्थक के बाधा दीते चेषा कर पुलिस अन्दि के आम आदमी पार्टी समर्थक चेषा कर अरविंद केजरीवाल जखने बस रोन से पोचनर कैमरामैन संजीव कपड़े संगे विजेंद्र सिंह एपी आनंद नया दिल्ली। कई सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ इस तरीके से भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस की कोशिश ये थी कि कोई हंगामा ना हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कॉन्स्टिट्यूशन करते बाहर जो बैठे हुए थे, क्योंकि उनको अंदर आने की अनुमति नहीं थी, वो कुछ इस तरीके से अंदर दाखिल हो गए। ये वो जगह है जहाँ पर रेल भवन के पास में अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर इन लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए थे उसके ऊपर चढ़ करके उसके साइड से वहाँ पर से बैरिकेड उखाड़ने के बाद में कुछ इस तरीके से दाखिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और फिलहाल अब ये सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं रेल भवन की तरफ, उस जगह पर जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, और फिलहाल रेल भवन सामने है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल उसी के पास में धरने पर बैठे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में, और पुलिस ने लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो बैरिकेड तोड़ा था उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया है, और पुलिस की कोशिश ये है कि यहाँ पर किसी भी सूरत में जो कार्यकर्ता है वो नहीं जो आगे बढ़ पाए, और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता जबरदस्ती बैरिकेड जो पार्क किया था उनको रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज शुरू किया है, और पुलिस की कोशिश ये है कि ये लोग तोड़ करके जो बैरिकेड तोड़ करके भाग रहे थे उनको रोका जा सके, लिहाजा पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सब तब हुआ जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा और भाग वहाँ पर जो जाने की कोशिश की जहाँ पर अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हुए थे। कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। गजब भाई गजब, मनीष सिसोदिया है, ओ सिसोदिया है तो फिलहाल एक ऐसे ही शख्स यहाँ पर जो घायल हो गया है, और अचानक जो यहाँ भगदड़ मची थी 3:30 बजे, तो उसके बाद में यहाँ पर ये जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है ये फिलहाल घायल हुआ था, और अब जो है
ये पुलिस ने जो रोकने की जब कोशिश की तो उसमें कुछ लोगों की लाठी भी लगी थी। और फिलहाल आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो अचानक जो है आप लोग बैरिकेड पार करके आए हैं। बैरिकेड हम करके आए हैं, क्रॉस करके पुलिस ने बहुत मारा है। ये सरासर पुलिस कह रही थी कि आप लोग बैरिकेड नहीं पार करिए। क्या पुलिस ने कहा था? पर पुलिस ने खुद कहा था हमसे कि आ जाओ कोई जाना नहीं। फिर एकदम जो लेकिन अचानक ये भगदड़ मची है, वो कैसे मची? पुलिस रोकना चाहती थी दोबारा से एक बार, तो ये कहा कि आ जाओ कोई बात नहीं, हम आराम से आए। वैसे तो हम आराम से वहीं प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हम लोग आए हैं। फिर पुलिस ने जो इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं उनको उनका इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी हैं, लिहाजा उनका इलाज करवाने के लिए भी पहुँच रहे हैं। सर ये अचानक ये भगदड़ कैसे मची है? अचानक जो धक्का देकर गेट खोला, मेरा पुलिस वाला डंडा मारा मुझे। तो अचानक जो है ये भगदड़ मची कैसे? क्या आप लोग जो है, क्योंकि पुलिस आप लोग तो पहले वहाँ बैठे हुए थे। मुझे थोड़ा खोल दिया था, फिर हमने घुसते हैं तो डंडा मारा उसे। पुलिस ने डंडा मारा। अचानक ये भगदड़ कैसे मची है वहाँ पर? ये भगदड़ कैसे मची है? साढ़े तीन बजे अचानक जो भगदड़ मची है, उसके बाद अब लोग दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस ने उनके बराठी जांच किया, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से माहौल अचानक बिगड़ा, उसके बाद ये पहले पुलिस समझाने की कोशिश किया और उसके बाद जो नहीं माने फिर इस तरीके से रोकने की कोशिश की गई और सबके बीच में कुछ लोगों को जो है लाठियां भी लगी हैं। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस के खिलाफ कमीशन शुरू हो चुका है। कैमरा मुसलमान हम इस वक्त खड़े हैं धरना स्थल के ठीक बाहर, जहां से प्रोटेस्टर्स जो कि अरविंद केजरीवाल का साथ देने आए हैं वो बैरिकेड तोड़कर आ गए हैं। अब अगर बात करें हम रोड की, तो वो है रफी मार्ग का रोड जहां से आ गए हैं, और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने वहां पे लाठी चार्ज की है। कई ऐसे वॉलंटियर्स यहाँ पर आए, कार्यकर्ता आए, उनके इस धरने पर शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम आपको उसी जगह पर ले जा सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पर मारपीट की है। ऐसा उनका कहना है, पुलिस ने मारपीट की है। यहाँ पर वो जो लोग शामिल होने आए थे वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं पानी पिया जा रहा है। ये लोग धरने में शामिल होने आए थे, कल आपको जैसा कि याद हो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हर विधानसभा से वो अपील कर रहे हैं कि लोग जनता यहाँ पर आए और उनके धरने में शामिल हो। लेकिन बावजूद इसके सुबह जब भीड़ नहीं आ रही थी, दोपहर के टाइम पर ऐसा हुआ कि भीड़ अचानक से बैरिकेड तोड़कर अंदर आ गई, और ऐसा इनका आरोप है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, उसके बाद इनकी हालत ये हुई है। और यहाँ पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं रेल भवन के सामने के पार्क से, जहाँ अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल यहाँ नहीं है, वो रेल भवन के अंदर अपने साथियों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हाय हाय की नारेबाजी आप देख सकते हैं। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।